हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च माह में आयोजित मैट्रिक व प्लस टू की वार्षिक परीक्षाओं में मैट्रिक का रिजल्ट जून माह के प्रथम सप्ताह जबकि प्लस टू का परीक्षा परिणाम जून माह के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि मैट्रिक व जमा दो परीक्षाओं की 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग से पहले उन पर सीक्रेसी कोड लगाना था, जिनमें से 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में सीक्रेसी कोड लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और 11 मई के उपरांत चेकिंग शिक्षकों द्वारा अपने अपने घरों में शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते जमा दो की भूगोल, कंप्यूटर साइंस और विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षा शेष बची है, जिनमें भूगोल की परीक्षा आवश्यक होगी क्योंकि 4400 के लगभग स्टूडेंट्स पूरे प्रदेश में हैं। इस पर बोर्ड शीघ्र निर्णय लेगा। इसके अलावा जमा दो की अन्य बची परीक्षा यदि नहीं होती है तो बोर्ड परीक्षार्थियों को मुख्य विषय में प्राप्त उच्च अंक के आधार पर अंक देगा। उसके लिए बोर्ड ने विशेष फॉर्मूला तैयार किया है। वोकेशनल विषय के पेपर ना होने की स्थिति में इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के अंकों के अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा मुख्य विषय के लिए गए उच्च अंक के समान उक्त विषय में थ्योरी के अंक जोड़े जाएंगे ताकि मेरिट में आने वाला परीक्षार्थी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। इस वक्त बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स देने के लिए पूर्व में ही नोटिफाई कर दिया है। प्लस टू के 4 विषयों में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और मैट्रिक में 1 विषय में दिए गए हैं। प्लस टू में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इनके डिफरेंट सीरीज में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और मैट्रिक में संस्कृत में दिए गए हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की है, पहले कर दी है और इस प्रकार का काम किया है। अभी हमारे FR जो लगने थे वो लगभग 11 लाख कापियों पे, उत्तर पुस्तिकाओं पे FR लगने हैं। ये काम संभवतः आज या कल पूरा हो जाएगा। 11 तारीख से पेपर देखने का काम शुरू हो जाएगा। स्पॉट सेंटर्स में 11 तारीख तक हम भेज देंगे पेपर्स को और वहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे घरों को विभिन्न विषयों के टीचर्स के लिए। और उसके बाद 10-15 दिन में वहाँ से कलेक्ट करने के बाद यहाँ पेपर आ जाएंगे। रिजल्ट कंपाइलेशन का काम होगा तो मुझे लगता है कि मैट्रिक में हम पहले हफ्ते जून के रिजल्ट दे सकेंगे और जहाँ तक प्लस टू की बात है उसे दूसरे या तीसरे हफ्ते में रिजल्ट निकल जाएगा। किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्लस टू की स्कीम ऑफ स्टडी में 5 विषय होते हैं, 4 जो हैं वो मुख्य विषय रहते हैं, 1 होता है ऑप्शनल या उसे इलेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इलेक्टिव जो 5वां विषय है वो हम किसी के अभी चेक नहीं करेंगे, तो उसमें जो हम नंबर लगाएंगे तो ये सभी बच्चों के हित में होगा, ऐसा हमने एक फार्मूला इजाद किया है। और वो फार्मूला इस प्रकार से रहेगा कि इंटरनल असेसमेंट जो अध्यापकों के द्वारा नंबर दिए गए हैं, प्रैक्टिकल के अवार्ड्स जो उनके बच्चों के हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, केवल थ्योरी के पेपर में उस फार्मूले को लगाएंगे। वो थ्योरी के पेपर में इस प्रकार से लगाएंगे कि जो 4 विषयों में बच्चा अपीयर हुआ है और उन विषयों में जो बेस्ट स्कोर है बच्चे का, हाईएस्ट परसेंटेज है, उतना हम उस विषय में उसको दे देंगे जो इलेक्टिव है। तो ये बच्चे के हित में रहेगा, कोई मेरिट डिस्टर्ब नहीं होगी, सबके लिए समान फार्मूला लगेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने सोचा है। पहले ऐसे सोचा था कि 4 विषयों में प्रो रेटा बेसिस के आधार पर दें, यानी एवरेज दें। फिर हमने सोचा क्यों ना इसे बेस्ट पे लाया जाए, जिससे कि बच्चों का हित भी हो, बच्चों का इसे स्कोर जो है एनहांस हो जाएगा। तो बच्चों के फायदे में ही हमने ये फार्मूला बनाया है।